जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जीडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों, विजय सेलगांवकर एक बार फिर लौट रहा है। जी हाँ, बात हो रही है अजय देवगन, शिया शरण और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 की। दृश्यम 2 जो कि 18 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, यानी कि इसी महीने। और इसके देखा जाए तो पहले पार्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से इसकी वापसी हो रही है। लाजमी है कि चारों ओर इसका क्रेज जबरदस्त होना ही था। अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी दृश्यम 2 को लेकर दीवानगी इस कदर है कि इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े मेकर्स की खुशी को दोगुनी कर रही है। फैंस 2 दिन पहले ही टिकट बुक करके विजय सेलगांवकर की आगे की कहानी देखने के लिए बेकरार लग रहे हैं। मेकर्स ने दृश्यम 2 की एडवांस बुकिंग रिलीज से 2 दिन पहले ही खोल दी। अब थिएटर की खिड़की से टिकट बुक कर दर्शक इस फिल्म को पहले दिन ही लुफ्त उठा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया जा रहा है कि फिल्म ने दृश्यम 2 ने 1,68,00,000 रुपए पहले ही कमाई कर चुकी है एडवांस बुकिंग से। फिलहाल ये शुरुआती आंकड़े हैं और ये कमाई 2 करोड़ तक भी हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि दृश्यम 2 2 दिन की एडवांस बुकिंग में 3 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग चल रही है और खिड़की अगर खुल गई तो आराम से ये फिल्म डबल डिजिट में कमाई कर सकती है। मतलब कह सकते हैं कि ये फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई आराम से अपने पहले दिन कर सकती है। हालांकि फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र में इस फिल्म को लेकर ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। दृश्यम जो कि 31 जुलाई 2015 को 2200 स्क्रीन पर रिलीज हुई, पहले दिन करीब फिल्म ने 6 करोड़ से खाता खोला। इस हिसाब से दृश्यम 2 अपनी पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, इतनी तो गारंटी है, इतना तो कॉन्फिडेंस है। वेल, दृश्यम की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये मोहनलाल की फिल्म मलयालम फिल्म की रीमेक है, जहां इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ऑल ओवर इंडिया में 93 करोड़ रुपए का। अब देखने की क्या दृश्यम 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी और फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होगा, लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से क्रेज दिख रहा है लोगों के बीच, जिस हिसाब से फिल्म का बज है, आराम से लग रहा है कि ये फिल्म सिर्फ इंडिया में 200 से 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। क्या कहना है आपको दृश्यम के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउंड स्टूडियोज़।